माँ बाप आपकी सारो बड़ी पूंजी एक अनजान शख्स के हाथ में दे देवे, सिर्फ एक चीज सोच गए कि हाँ भी वो शख्स बहने खुश रखे गो या दो टाइम की रोटी सुख शांति खुआवे गो। और बाप पूंजी हुआ बांगी बेटी, बे आपकी पूरी जिंदगी कमाई ने वह बेटी के लिए बहुत कुछ कमावे ताकि आगे चल गए बांगी माँ बाप की बेटी ने कोई कमी महसूस ना हो। ठीक है, माँ बाप आपकी हैसियत बहुत ज्यादा करे, जब माँ बाप आपकी बेटी ने ब्यावे ठीक है तो बे हर बात चीज देने की कोशिश करे जकी वह बेटी के आना जीवन के मायने काम आवे, जकी माँ बाप तो कदे देखी तो के कदी सपने में भी कौन सोची होगी बाबा चीज भी दे देवे। लेकिन सामलांग ए चीज को कोई प्रभाव पड़े कोनी, फिर भी बांगी जकी भूख है जकी लालसा है नहीं पा मिटे कोनी, फिर भी बचाव है कि माने आ चीज और क्यों कोनी दे जकी चीज ना अपा बोला दहेज। इसी एक घटना हुई है बीकानेर के अंदर, बींग अंदर के एक लड़की ने माँ बाप ब्याह दी, बींग बाद के मायने वे दहेज खातर प्रताड़ित करने लग गया। लड़की की माँ बाप बात भी हुई, वह लड़की का भाई लियान भी गया लेकिन बाने भी गाड़ी के रोज करके निकाल दियो गयो। फिर दोबारा लड़की को फोन आयो ठीक, तो बनके भी बेमन मारन की बात करने लग रहे, फिर पड़ोसिया वगैरह भी बातचीत करी बतावे, लेकिन लास्ट में हो के लड़की ने जान भी मार दियो। समाज का ही ये कीड़ा है जिकाने समाज में बारे निकालने की जरूरत है अपने, तो खड़े वो काल ने कि आपने सागे भी घटना उसके, अगर आज आप ये चीज के बारे में नहीं सोचांगा ना तो कल आपने आपने सागे भी घटना होगी। फिर अपन पता चलो भी एक बहन जद अपनो साथ छोड़ के जावे है, अपनो साथ यहाँ छुटा लिए जावे है कोई के द्वारा, फिर कितो दुख हो नहीं वो फिर बाद में ही अपन महसूस होगो। अपन सारों ज्यादा ये वीडियो शेयर करनी है और वीडियो शेयर करके प्रशासन तक पुगानी है ताकि वह जल्दी जल्दी बहन ने न्याय दिला सके और अपनी बेटियां ने इतो कमजोर कौन बनाना कि बन कोई भी आगे या मार कूट के जान हुई बंग हत्या ही कर देवे। ठीक है, राम राम जी।